लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अलवर में मॉब लिंचिंग, 4 किलोमीटर दूर था अस्पताल, पहुंचने में पुलिस को लगे 3 घंटे। अलवर के लालावंडी गांव, जहां रकबर उर्फ अकबर की शुक्रवार रात गौ तस्करी के शक में हत्या हुई, वहां से रामगढ़ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC बमुश्किल 4 किलोमीटर दूर है। इसके बावजूद पुलिस को घटनास्थल से CHC तक पहुंचने में 2.5 घंटे से ज्यादा लग गए। वहां लाए जाने तक रकबर मर चुका था। FIR में दर्ज है कि विश्व हिंदू परिषद WHIP की गौ रक्षा सेल प्रमुख नवल किशोर शर्मा का शनिवार 21 जुलाई रात 12:41 बजे संदिग्ध गौ तस्करी को लेकर फोन आया। पुलिस शर्मा को साथ लेकर घटना स्थल पर पहुंची, जहां उसे खून से लथपथ रकबर मिला। पुलिस ने रकबर को साफ किया, घटना स्थल पर उससे पूछताछ की और फिर उसे CHC लेकर आए, जहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। रकबर अपने एक साथी असलम खान के साथ पैदल ही गाय ले जा रहा था, जब उसे लालावंडी में गांव वालों ने रोका। रामगढ़ पुलिस थानांतर्गत आने वाले इलाके में रकबर पर हमला हुआ, असलम जान बचाकर भागने में सफल रहा। द इंडियन एक्सप्रेस ने शर्मा, स्थानीय गवाहों, CHC के डॉक्टर और एक चाय वाले समेत कई लोगों से बात कर उस रात की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की, तो पता चला कि शर्मा की कॉल आने के बाद पुलिस ने उसे जीप में बिठाया और घटना स्थल पर लेकर गए। यहां उन्होंने रकबर को उठाया, उसे साफ किया, चाय पीने रुके, पुलिस थाने में उसके कपड़े बदलवाए और फिर उसे लेकर रामगढ़ CHC आए। गौ तस्करी के शक में फिर एक शख्स की पीट पीट कर हत्या शनिवार सुबह 9:20 बजे दर्ज की गई। FIR कहती है कि रामगढ़ पुलिस थाने में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI मोहन सिंह 2 कांस्टेबल्स के साथ रूटीन पेट्रोल पर थे, जब रात 12:41 बजे उन्हें शर्मा की ओर से फोन आया कि कुछ लोग पैदल राजस्थान से हरियाणा के बीच गायों की तस्करी कर रहे हैं। FIR कहती है कि असी और अन्य शर्मा से रामगढ़ पुलिस थाने के बाहर मिले और फिर वे करीब 4 किलोमीटर दूर लालावंडी के लिए निकले। द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में शर्मा कहते हैं, कुछ स्थानीय युवकों ने मुझे आधी रात को फोन किया था, मगर मेरा फोन म्यूट पर था, इसलिए उन्होंने मेरे भतीजे को फोन किया। उसने मुझे जगाकर बताया कि गांव वालों ने एक गौ तस्कर को पकड़ा है और मुझे पुलिस बुलाने को कहा है, इसलिए मैंने 12:41 बजे पुलिस को फोन किया। मैं थाने के पास ही रहता हूं, तो पहुंचने में बमुश्किल 5 मिनट लगे और फिर मैं पुलिस जीप के इंतजार में 5 से 10 मिनट रुका। हम रात 1:15 या 1:20 तक स्पॉट पर पहुंच गए थे।